स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मारू सिद्दीकी, योर साइंस टीचर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट. द नेम ऑफ टॉपिक इज टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन चेंज ऑफ स्टेट. लेट्स सी द टॉपिक, लिसन केयरफुली. इन द लास्ट क्लास द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन चेंज ऑफ स्टेट के बारे में हमने आप लोगों को पॉइंट्स आउट किए थे. ये सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को बताने के बाद हमने आप लोगों से सिर्फ एक पॉइंट सब्लिमेशन के बारे में डिस्कस किया था और ये कहा था कि बाकी के पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वह वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन मीन्स वाष्पन. The process of conversion of a matter from its liquid state to gaseous state at specific conditions of temperature and pressure is called evaporation. Means vaporization, वाष्पन एक क्रिया है. इस क्रिया में पदार्थ जो है वो लिक्विड यानी कि तरल अवस्था से गैसी अवस्था में परिवर्तित होता है और उस गैसी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं और वो परिस्थितियाँ आपकी टेम्परेचर प्रेशर के रूप में होती हैं. ऐसी क्रिया को हम वेपोराइजेशन कहते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग. मीन्स फ्रीजिंग भी एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में जो हमारी लिक्विड स्टेट है ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है और सॉलिड लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होने की भी में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं टेम्परेचर और प्रेशर के फॉर्म में. ठीक है, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न और मेल्टिंग. और ये फ्रीजिंग आपकी जो प्रोसेस है जस्ट रिवर्स ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस. एंड द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट्स इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट. मीन्स एक ऐसा पॉइंट जिस पर कोई भी एक लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू कर दे ठोस की अवस्था में, उस बिंदु को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. कहने का मतलब है कि कोई लिक्विड है, अगर वो लिक्विड उसको हम टेम्परेचर या प्रेशर दे रहे हैं या टेम्परेचर सॉरी जो भी मतलब टेम्परेचर मैं दे रहा हूँ, जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू कर दे वो टेम्परेचर उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट हेडिंग आपकी है कंडेंसेशन मीन्स संघनन. The process of conversion of matter from its gaseous state to liquid state at a specific condition. Condensation एक process है. इसमें जो gaseous state है ये liquid state में convert होती है. इस gaseous state को liquid state में convert होने के लिए कुछ specific conditions आपकी temperature और pressure के form में होती हैं. ऐसी क्रिया को हम condensation कहते हैं. इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन. और ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन वाष्पीकरण की ठीक उल्टी क्रिया होती है. मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको कंडेंसेशन का देना चाहता हूँ. जैसे ही मान लीजिए कि आप किसी ग्लास में गर्म दूध लेते हैं, अगर उसको किसी लिड मीन्स ढक्कन से आप उसको ढक देते हैं तो आप कुछ समय बाद देखते होंगे कि उस गर्म दूध से निकली हुई जो भाप होती है वो ढक्कन से टकराने के बाद ठंडी होकर के छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में बदल जाती है. ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन. बच्चों, आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है कि जो लास्ट क्लास में मैंने सब्लिमेशन बताया, आज आपको वेपराइजेशन बताया, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट बताया और जो ये मैंने कंडेंसेशन बताया, इन सभी सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के लर्न कर लीजिएगा. थैंक यू.